नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे ग्लोबल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक भर्ती निकलकर सामने आ रही है, मझेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इसमें आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की संख्या की बात करें तो 176 सीट है, 35,000 सैलरी है। और ये जो शिप बिल्डर्स है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो मझेगांव शिप बिल्डर्स कंपनी है, ये शिप का कंस्ट्रक्शन करती है, मतलब जो पानी वाली जहाजें होती है उसका निर्माण करती है, बनाती है। और इस कंपनी का जो मालिक है वो भारत सरकार है, और ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत में आती है। भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे ऑपरेट और संचालित किया जाता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आईटीआई के लिए लगातार भर्ती निकाली जा रही है। आप लोग देख सकते हैं, लगातार हम अपडेट आप लोगों को दे रहे हैं कि भाई यहाँ भर्ती आ रहा है, वहां भर्ती आ रहा है। और इन भर्तियों में उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जो कायदे से बढ़िया से समय देकर पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि हमें सरकारी नौकरी लेना है, हमें अपनी जीवन को, लाइफ को बेहतर बनानी है, तो बाबू पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में से किसी मोड को चॉइस कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहते हो तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद अभी हमारे पास फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है, मास्टर कोर्स के अंदर में फाउंडेशन बैच है। इस फाउंडेशन बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो भारत के किसी भी सेक्टर में कोई भी आईटीआई के लिए सरकारी नौकरी निकाली जाती है, सबके लिए आपका तैयारी एक साथ हो जाएगा, चाहे पीएसयू हो, रेलवे हो, बिजली विभाग हो, सबका तैयारी होगा। हमने इस कोर्स को इसलिए बनाया है कि बाबू आपको लगातार भर्ती जो आ रही है उसका टेंशन न रहे, आप एक साथ सबका तैयारी कर ले, ठीक है। बाकी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, तो फॉर्म भरने के लिए आप हमारा जो फॉर्म भरने वाली टीम है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप पे अपना डॉक्यूमेंट्स देकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे जो भी फॉर्म अपना भरना चाहते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप फॉर्म भरवा सकते हैं। नंबर को अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि साइबर कैफे वाले बहुत सारे गलती कर देते हैं जिसके वजह से एक भारी मिस्टेक होती है और आपका फॉर्म बाहर हो जाता है, ठीक है। आइए इस कंपनी के बारे में जानेंगे, क्या भर्ती निकाला गया, इसमें क्या क्या चीजें दी गई है, ठीक है। यहां पर देखिए, नाम है मझेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये भारत सरकार का उपक्रम है। और यहां पर लिखा है देखिए कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ये पीएसयू है भारत सरकार का और भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में ये आता है। अभी जो भर्ती निकाली गई है इसमें बोला कि कर्मचारी पद में 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु भर्ती का यह निकाला गया, जिसमें 1+1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगर आपकी इसमें नौकरी मिलता है तो 3 सालों के लिए आपकी नौकरी मिलेगा, प्लस इसको 1 साल और बढ़ाया जाएगा, और अगर सब चीज ठीक रहा तो 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये 5 सालों तक यहाँ पे नौकरी आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी हम उन बच्चों को रिकमेंड करते हैं जो फ्री है, तैयारी हो चुका है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस सब भी फॉर्म को भरना चाहिए और वहां पर जाकर एक्सपीरियंस लेना चाहिए, जॉब करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो सैलरी और वेतन मिलता है उतना ही मिलता है जितना परमानेंट वालों को मिलता है, थोड़ी बहुत फैसिलिटी में अंतर आएगा, बाकी चीजें आपको सेम मिलता है। आगे बढ़े तो यहाँ पे दिया है भाई कि जो ये फॉर्म निकाला गया है ये कब से कब तक भरा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्म का ओपन डेट है वो 11 सितंबर है और इसका जो आखिरी डेट है वो 1 अक्टूबर है। 11 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में आपको ये फॉर्म को अप्लाई करना होगा। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिये यहाँ पे ट्रेड का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें आरएसी वाले हैं, इनके लिए टोटल सीटों की संख्या 2 है। इसके अलावा स्वीपर ग्रिंडर है, इनके लिए सीटों की संख्या टोटल 15 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीटों की संख्या दिया हुआ है। इसके अलावा कंप्रेसर अटेंडेंट है, इनके लिए सीटों की संख्या 4 है। डीजल कम मोटर मैकेनिक है, इनके लिए सीटों की संख्या 5 है। ड्राइवर के लिए 3 है। इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर के लिए 3 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 15 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ पे 4 है और फिटर के लिए यहाँ पे 18 सीटें दी गई है। ये सीटों की टोटल संख्या है। इसके अलावा और भी ट्रेडों के लिए भर्ती निकाली गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे और भी आपको ट्रेड दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर है, जूनियर ड्राफ्टमैन है, जूनियर प्लेनर एस्टिमेटर है, मिल राइट मशीन है, पेंटर है, पाइप फिटर है। पाइप फिटर में 10 सीट है, इसमें भी फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। रिगर में 10 सीटें हैं। स्टोर कीपर का 6 है। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन का 2 है।
इसके अलावा सेमी स्किल्ड में भी भर्ती निकाली गई। सेमी स्किल्ड में फायर फाइटर, सेल मेकर, सिक्योरिटी शॉपर, यूटिलिटी हैंड इत्यादि के लिए यहाँ पर सीटों की संख्या दी गई। टोटल सीटों की संख्या 176 पद है। टोटल इसमें पदों की संख्या कितना है, 176 है। क्वालिफिकेशन इसमें क्या होना चाहिए, तो यहां पर देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन में पहला आरएसी है। आप, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके डिटेल्स में इसका जानकारी को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आरएसी की बात करें तो यहां पर बोला है कि भाई जो कैंडिडेट होना चाहिए उसका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ठीक है ना। अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देखिए अप्रेंटिसशिप लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। दूसरा हम बात करें चीपर ग्रिंडर का, तो यहाँ भी सेम वही कंडीशन है कि भाई आपके पास अप्रेंटिसशिप के साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसी तरह से जितने भी आईटीआई के ट्रेड है, मुख्य रूप से हम बात करें फिटर का और इलेक्ट्रीशियन का, बाकी सब में इस सेम तरह का क्वालिफिकेशन मांगा है, ठीक है ना। ये दोनों को समझ लीजिए तो बाकी सारे चीजें में सेम इसी तरह का है। इलेक्ट्रीशियन का बोल रहा है कि भाई आप स्किल के तौर पर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और फिटर भी स्किल वाला ही है, ठीक है। तो यहां बोल रहा है कि आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन 1 ईयर शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस इज कंपल्सरी। बोल रहा है कि आईटीआई के साथ में आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, प्लस में शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब जहां भी अगर आपने काम किया है तो 1 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो जो एक्सपीरियंस रहेगा वो रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब शिप बिल्डिंग में जितना भी काम होता है, जिस तरह का वहां पर वर्क होता है, उसी तरह का वर्क आपका होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिटर के लिए थोड़ा कंडीशन अलग दिया है कि बोला कि भाई आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है, दूसरा कंडीशन दिया है कि आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए इन एनी अदर ट्रेड, किसी भी ट्रेड से कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है किसी भी ट्रेड से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शिप बिल्डिंग का, तो आप इसमें फिटर वाले में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप दूसरे भी ट्रेड से हैं, अप्रेंटिसशिप आपके पास है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस शिप बिल्डिंग कंपनी से है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यही कंडीशन सारे जितने भी आईटीआई के ट्रेड है सब में यही कंडीशन दिया है। उसी तरह से डिप्लोमा वालों की बात करें तो डिप्लोमा वालों से भी यहाँ पे एक्सपीरियंस का जिक्र किया है, किसी में किया है किसी में नहीं किया है। जैसे हम बात करें मैकेनिकल के लिए तो देखिए कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इत्यादि में आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। उसी से बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल में भी सेम है कि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि भाई यहाँ पे एक्सपीरियंस जिसके पास है उसका क्या फायदा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि जितना भी जिसके पास एक्सपीरियंस रहेगा उसके हिसाब से हम नंबर देंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस 1 से लेकर 2 साल के बीच में तो आपको 8 नंबर दिया जाएगा। उसी तरह से अगर आपका एक्सपीरियंस 17 साल का है तो आपको 14 नंबर मिलेगा, मतलब 8 से लेकर 14 नंबर तक आपको नंबर दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। मिनिमम एक्सपीरियंस अगर 1 साल से 2 साल के बीच में तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा, और मैक्सिमम 17 साल है तो आपको 14 नंबर तक का वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सपीरियंस का फायदा आपको मिलने वाला है। इसके अलावा सैलरी की हम बात करें तो देखिए सैलरी की हम बात करें तो जो स्पेशल ग्रेड वाले हैं उनको तो 22,000 से लेकर 83,180 रुपया है, ठीक है। उसके अलावा स्किल्ड जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके लिए 17,000 से लेकर 64,360 रुपया है। कुल मिलाकर यही 35 से 40 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाला है। सेमी स्किल्ड वाले हैं उनको 13,200 से लेकर 49,910 रुपया आपको मिलेगा। मतलब इधर वाला जो लास्ट वाला ना मैक्सिमम सैलरी है जब आप 5वां साल तक पहुंचेंगे, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट आपका 38 साल होना चाहिए, और मिनिमम की बात करें तो आपका एज लिमिट 18 साल होना चाहिए। 18 से 38 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, ठीक है ना। और जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं उनको 48 साल तक भी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के लिए 18 से 38 साल एज वाले इसमें अप्लाई करेंगे। एज में छूट भी दिया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग छूट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई सिलेक्शन कैसे होने वाला था। देखिए इसमें सिलेक्शन के लिए रिटन एक टेस्ट होगा, ठीक है ना। रिटन टेस्ट और एक्सपीरियंस का मार्क्स मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और इसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। और स्किल टेस्ट में 1:3 में बच्चों को बुलाया जाएगा, मतलब 1 सीट पे 3 बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
इन द केस ऑफ वैकेंसी मोर देन 100, ठीक है ना। और इसके अलावा बोला है कि भाई अगर वैकेंसी 50 से लेकर 100 के बीच में रहेगा तो हम 1:5 में हम क्या करेंगे, बच्चों को बुलाने वाले, लेस देन 50। अगर 50 to 100 and 1:5 इन द केस ऑफ वैकेंसी 50, लेस देन 50, बोला कि 50 से कम सीट जिसमें है उसमें हम 1:5 में बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट बोल रहा है कि मेरिट लिस्ट हम करेंगे प्रिपेयर, वो करेंगे आपका मार्क्स ऑपरेंट इन द रिटन टेस्ट एंड एक्सपीरियंस, ठीक है ना। रिटन टेस्ट और एक्सपीरियंस का मार्क्स मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। इसमें स्किल टेस्ट के लिए किसी तरह का कोई नंबर ऐड नहीं किया जाएगा, मतलब स्किल टेस्ट जो होगा आपका केवल क्वालिफाई नेचर का होगा, केवल पास करना होगा, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया है। अब हम आगे बढ़े भाई, यहाँ पे जो एग्जाम होने वाला है, जो सीबीटी एग्जाम होगा ऑनलाइन, उसके बारे में यहाँ पर कुछ चर्चा किया गया है। देखिए चर्चा क्या है भाई कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, यहाँ पे दिया है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, दो तरह का यहाँ पे कंडीशन दिया है। यहाँ पे बोला है रिटन टेस्ट लेंगे पहला, जिनके पास एक्सपीरियंस मतलब नहीं वाला पद पे आप अप्लाई कर, जहां पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया वहां पर 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जहां पे एक्सपीरियंस मांगा गया है वहां पे 60 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस की बात करते हैं, यहां तो एक्सपीरियंस मांगा ही नहीं गया, एक्सपीरियंस का नंबर ऐड नहीं होगा, लेकिन यहां पे एक्सपीरियंस का नंबर ऐड किया जाएगा मैक्सिमम 40 मार्क्स तक, ठीक है। और यहां भी रिटन टेस्ट हुआ नहीं है तो एक्सपीरियंस के बेस पर यहां पे लिया जाएगा। स्किल टेस्ट की बात करें तो भाई क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल क्वालिफाई करना है, और मेरिट लिस्ट बनेगा रिटन टेस्ट पे, इसमें जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया उसमें केवल रिटन टेस्ट पे बनेगा, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया तो रिटन टेस्ट के साथ साथ एक्सपीरियंस का नंबर ऐड करके आपका मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, और यहां तक केवल एक्सपीरियंस के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। तो जिस वाले कंडीशन में आप हैं उसके लिए इस तरह का मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, मतलब फिटर टीसीएन वाले जो बच्चे उनको तो एग्जाम देना ही है, ये वाला आपके लिए है, ठीक है। तो इस तरह से ये भर्ती निकाली गई है, जो बच्चे के पास एक्सपीरियंस है, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तो आप लोग अप्लाई करिएगा, बाकी पढ़ाई करते रहिए, लगातार भर्ती आ रही है, भर्ती की कोई कमी नहीं है, हमेशा देखते हैं कि हर महीने 2-4 भर्ती आती ही रहती है। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, सीरियस होंगे, उनको तो आज ना तक कल नौकरी मिलने वाला है, बाकी जो देख रहे हैं दिन टाल रहे हैं, तो हर दिन गुजरता जा रहा है, सालों साल गुजर जाएंगे और आपको नौकरी नहीं मिलेगा, मजदूरी वाली जिंदगी को बिताना पड़ेगा। तो उस जिंदगी से बचने के लिए पढ़ाई करना होगा, और पढ़ाई करने के लिए इजी वे कोचिंग आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही था, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।